Hi guys, welcome to channel of Sassy Dalki and Shiva Vlog. मेरे शिवा और यहाँ पे दो लोग और आ चुके हैं, मेरी इनसे कांता पांडे और ये है माता श्री. माता हेलो. कम्प्लीटली इग्नोर लाइक स्लाइस खिलाओ. ये देखिए आते ही इनकी डिमांड होगी, स्लाइस पिलाओ, ये पिलाओ, वो पिलाओ, पैसे दो और लो, हमें क्या है. पैसा देते हो एक मिनट. एनीवेज गाइस, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? ये लोग लखनऊ से आए हैं सीधे गोवा, वहाँ काफ़ी ठंड हो रखी है इस टाइम. और हमारा ये सब कैसा लग रहा है आपको? मज़े आ रहे हैं. क्यों मज़ा आ रहे हैं आप? बीच पे जाना है अभी. हमको इसलिए मज़ा आ रहे हैं क्योंकि बीच पे जाना है और यहाँ पे क्या एक मिनट बढ़िया आलू के पराठे भकोसे जा रहे हैं. देखिए सांभर है, ये देखिए, ये देखिए सब. और मेरा आज फास्ट है एकादशी का, तो पता नहीं जिस दिन फास्ट होता है उसी दिन इतना अच्छा अच्छा क्यों बनता है. एनीवे देखते रहिए व्लॉग और देखते हैं क्या आता है. और ये नीरज भाई हैं, ये यहाँ काम करते हैं. आज इन्होंने पराठे बनाए, काफ़ी अच्छे पराठे बनाए इन्होंने. गुड, हाय कर दो मेरे फॉलोअर्स, बाय कह रहे हैं. तो गाइज सेम उसी पहाड़ी पे छोटी पांडे को ले आए हैं. ये परशुराम जी का मंदिर रह चुका, मतलब यहाँ पे यज्ञ किया था जिन्होंने. या एंड शी इज़ वेरी मेस्मराइज विद ब्यूटी ऑफ आरंबोल ऑफ गोवा. शी इज़ एंजॉइंग कम्प्लीटली. शी इज़ नाउ दीपिका पडुकोन ऑफ तमाशा. वाओ, मतलब जब भी आओ यहाँ इट्स वाओ. बीच पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी अब सही में. सुबह सुबह आना पड़ेगा शिनू, एक सुबह का ब्लॉग हो जाए और वहाँ चलेंगे कभी. देखो वहाँ बंदा बैठा है. हाँ वहाँ तो जाना ही है उसके ऊपर. वहाँ 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 हम लोग वहाँ गए थे. ओह माय गॉड, वहाँ जाएंगे. यस, तो आइए पूछते हैं फिर से मैडम से. हाँ फिर से. आप ऐसी डेजर्ट में रहती हैं, वहाँ भी बीच है ना कतर में? यस, विच सिटी वन. हाँ तो अभी आपको लेकिन गोवा में कैसा लग रहा है? ऐसे मस्त खुले खुले कपड़े पहन के मेरे फोटो खींच. बोला कुछ क्या आपसे? क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, जानना चाहते हैं. हाँ ये मस्त मौसम है, मज़े आ रहे हैं, ठंडी हवा, कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, कभी भी पियो, नॉट लाइक कतार. ओह माय गॉड, इनको पीने की ज़्यादा पड़ी. या व्हाई नॉट, आज कोई नहीं है यहाँ, सही लग रहा है. सो गाइस कल का ब्लॉग अभी भी कंटिन्यूड है. आज मैं माता रानी और शीनू को घुमाने लाई हूँ दूसरे साइड से बीच की तरफ. ये पार्किंग रोड है और सीनू कैसा लग रहा है आपको? अपनी स्कर्ट तो दिखाइए आप जो पहन के आई हैं बीच वाली. ओह माय गॉड, इट्स क्वाइट पिंक ऑरेंजिश टुडे. शी इज कमिंग, मॉम इज कमिंग. वो जो कलरफुल औरत दिख रही है भागती भागती, कहाँ भटक रही हो? कैसे भटक रही है जैसे कोई पागल बैली. ये देखो कलर, देखिए आप क्या मस्त लग रहा है ऑरेंजिश. क्राउड बहुत हो गया अब. ये अच्छे शैक्स है ना? हाँ. ये नीचे वाले शैक्स है, चिल आउट टाइप. हाँ ये वाला अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना. ये वेलकम आरंबोल. क्या हो गया शीनू, क्या दिक्कत है, क्या हुआ? खींच जाएगी स्कर्ट तो डरपोक. ये एक हमारी माँ को देखो. कल वो वाली दैट वॉज दी पहाड़ी जहाँ कल बैठे थे, जहाँ मैं अक्सर बैठती हूँ. तो गाइज फाइनली सितंबर के बाद से अब हम लोगों की, मतलब मेरी हिम्मत हुई कि मैं सुबह उठ के, हाँ बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज आई नीडेड अ कंपनी. तो सुबह सुबह उठ के बीच पे जाए और मस्त पानी वानी में जाए. तो आई नीडेड सच कंपनी रियली टू सेट माई मॉर्निंग रूटीन. पता नहीं आज की है बाद में भी होगा, बट वी विल ट्राई टू गेट अप अर्ली नाउ. और अर्ली से मतलब है इट्स 7:45. यस, वो भी कर रहे हैं. टेंटेड है. ये मॉर्निंग का नज़ारा है, बीच पे भीड़ नहीं होती है.
चलो बेटा गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जा रहे हैं स्वीट लेक, शीनू कभी नहीं गई है और वहाँ देखते क्या है नज़ारा। चली जा रही है मैडम। कोई है नहीं, कोई है नहीं इसलिए। अभी क्या था ऐसी वाली कैंपिंग करनी है, मिल भी गई। ये देखो फॉरेनर्स यहाँ लगा लगा के बैठे हैं, ये रहते हैं, ये कपड़े फिला रखे हैं। वाओ फिश मिल गई है गाइस। तो स्वीट लेक को पहले नेकेड बीच कहते थे क्योंकि यहाँ सारे फॉरेनर्स ही होते थे, स्पेशली रशियंस, इंडियंस नहीं आते थे और ये नेकेड पड़े रहते थे। बट कुछ इंडियंस आए और उन्होंने घपला करना शुरू किया, फ़ोटोज़ लेना, सेल्फी लेना। तो मैं तो पता ही क्या क्या कर लेते हैं हम, फिर बैन हो गए यहाँ पे और क्या। बट अभी भी हम लोग जैसे सुबह सुबह आए कुछ फॉरेनर्स अपना रेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए कैमरा का मुँह इधर घुमा लिया ताकि उन्हें ये ना लगे मैं उन्हें शूट कर रही हूँ, मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आता, क्यों तुम उनकी पर्सनल चॉइस को ऐसे छोड़ो। खैर क्या ही कर सकते हैं। यहाँ स्वीट लेक पे आप अगर बैठते हो ऐसे तो 100 रुपये लेते हैं फॉर वन आवर, 2 आवर्स 100 रुपये ले लेते बैठेंगे तो ठीक है, कुछ कैश लेके आओ। गाइस तो हम लोग हमेशा इस रास्ते से जाते थे बट यहाँ पे ये काफ़ी पानी की वजह से ब्लॉक्ड है, तो ये एक और रास्ता है साइड में, यू कैन गो। बढ़िया गाना चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में। गाइस तो हम लोग अब एक बीच में एक रेस्टोरेंट आ गए हैं पानी के साइड से, ये डिमांडिंग मैडम विद वन ऑरेंज मैन, ही इज आल्सो, ही हैज जस्ट जॉइंड अस। तो ये स्वीट लेक और आरंबोल के बीच का रास्ता है, मतलब बीच में है ये रेस्टोरेंट। नेम इज ओम गणेश शायद। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग ये ऊपर वाले रास्ते से आ गए जहाँ ऑलरेडी मैंने बहुत ब्लॉग्स कवर किए, जहाँ शाम में आके बैठती हूँ। आज सुबह का व्यू देखो, ओ वाह, वाह जस्ट वाह, धूप इतनी अच्छी लग रही है, सिर्फ पानी की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, वाओ। चलो अब मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, टेक केयर गाइस, ही फॉलोइंग सब्सक्राइबिंग, जिंदा है। रुको रुको, तो यहाँ पे कुछ बताना है मुझे, ये इन्होंने यहाँ पे पेड़ लगाया था, ये दिखा रहे कि देखो ये बड़ा हो गया, लगाया था बारिश में, बारिश से पहले लगाया था। हाँ तो उस समय पानी देने आता था हर तीसरे चौथे दिन, बाकी नेचर ने अपना ख्याल खुद ही रख लिया है, नेचर ने उसको खुद ही। वाओ ब्यूटीफुल, चलो अब फाइनल वाला सीन बाय कर दो, बाय। चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आएंगे और भी कुछ खास इंटरेस्टिंग करेंगे जब।